मेरा रब रहीम है, मेरा रब रहीम, मेरा रब रहीम है, मेरा रब रहीम। रहमत करदा सारे उत्ते, रहमत करदा सारे उत्ते, ओ दी जात अजीम है, मेरा रब रहीम है, मेरा रब रहीम, मेरा रब रहीम है, मेरा रब रहीम। तरस दे मारे लोकां उत्ते तरस ओ खांदा ए, तरस दे मारे लोकां उत्ते तरस ओ खांदा ए, दुखियां ते लाचारां नू गल नल लांदा ए, दुखियां ते लाचारां नू गल नल लांदा ए। सदियां वी ए देण गवाही, सदियां वी ए देण गवाही, ओदा प्यार कदीम है, मेरा रब रहीम है, मेरा रब रहीम है, मेरा रब रहीम है, मेरा रब रहीम। खुदावंत के अजीम नाम में आप तमाम कलीसिया को सलाम पेश करता हूँ। खुदा का खादम होते हुए आप तमाम कलीसिया की सलामती और बरकत की दुआ चाहूँगा। नाज़रीन, आज बताना चाहता हूँ कि आज मैं अपनी टीम के साथ यूहन्नाबाद में मौजूद हूँ, और आप देख रहे हैं मेरे साथ तारिक गिल और उनके भाई इश्तियाक गिल। खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी है कि जिस तरह इन हालात में बहुत सारे ऐसे घराने हैं, कलीसिया है मुश्किलात में है कोरोना वायरस की वजह से, तो खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी है, इनकी सारी टीम को बरकत दी है कि ये कलीसिया को खाना प्रोवाइड करते हैं इन हालात में। तो इससे पहले हम मज़ीद बात करें, आए हम इस सारे प्रोग्राम के लिए, इस सारी टीम के लिए हम इनके लिए बरकत की दुआ चाहेंगे। खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंत, तू जिंदा आसमानी खुदा है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। खुदावंत, तेरा खादम होते हुए अभी इस सारे प्रोग्राम के लिए, तारिक जवेद तारिक के लिए, भाई इश्तियाक गिल के लिए तेरी बरकत तेरी सलामती चाहता हूँ। खुदावंत, तूने अपने बंदा को खुदावंत ये बरकत अता की है इन मुश्किल हालात में, कोरोना वायरस की जो बीमारी फैली हुई है खुदावंत, इस हालात में अपने इन बंदा को खुदावंत तूने बरकत दी है खुदावंत, ताकि ये कलीसिया के लिए खाना प्रोवाइड कर सकें। तो खुदावंद इनको और ज़्यादा बरकत दे, ताकि ये इसी तरह तेरे नाम में बढ़ते जाएं, तेरे नाम की गवाही देते रहें, और जब ये खाना कलीसिया खाती है तो खुदावंद तेरा शुक्र अदा कर सके। खुदावंद खुदावंद तू भाई तारिक जवेद तारिक को, इश्तियाक गिल को, इनकी सारी टीम को बड़ी बरकत दे, ताकि ये इसी तरह तेरे नाम में बढ़ते रहें, तेरे नाम की गवाही देते रहें। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं जैसे पहले भी बताया गया है कि हम यूहन्नाबाद में मौजूद हैं, हमारे साथ तारिक जवेद और उनके भाई
इश्तियाक गिल यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी सारी टीम यहाँ पे मौजूद है और इन्होंने यूहन्नाबाद में भी कलीसिया के लिए एक दस्तरखान लगवाया है जो कि कलीसिया को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो खुदावंद इनको बड़ी बरकत दी है। जी तारिक भाई, आप क्या कहना चाहेंगे जो कलीसिया आपको टीवी पर देख रहे हैं, इन हालात में बहुत सारे मुश्किल हालात में बहन भाई ऐसे हैं जिनको खाना प्रोवाइड नहीं हो रहा, लेकिन आपने अपने कलीसिया के लिए अपने बहन भाइयों के लिए दस्तरखान लगवाया है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि ये हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, ये खुदा प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए कि हम भी खुदा के बंदे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत खुदा ने हमें जो दिया उसमें से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने बहन भाइयों के लिए करें, और जो लोग भी जिनके पास कुछ है थोड़ा बहुत अपने बहन भाइयों के लिए ज़रूर करें, क्योंकि थोड़े से थोड़ा मिलके बड़ा बन जाता है। अब ये हम प्रोजेक्शन नहीं चाहते कि हमारी कोई प्रोजेक्शन हो, ये सब हमारे बहन भाई हैं, हम किसी की ना तस्वीर लेना चाहते हैं ना किसी का चेहरा दिखाना चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हम कर सकते हैं थोड़े में से थोड़ा मिला के अपने बहन भाइयों के साथ मिलके हम खाना खाएं, हम भी यहाँ से इनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, और मेरा यही मैसेज है कि जो कुछ भी जो भी हमारा बहन भाई कर सकता है वो ज़रूर करे, इसलिए कि जो अच्छे खासे लोग हैं उनके भी हालात एक दफ़ा एकदम ख़राब हो गए हैं, क्योंकि डेफिनेटली लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, गवर्नमेंट भी क्या करेगी, कहाँ तक कर सकती है, तो हम सबको मिलजुल के एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मेरा इतना ही मैसेज है। जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जी नाज़रीन, यूहन्नाबाद के आसपास लोग, खुदावंद ने आप लोगों को बहुत सारी बरकत दी है, जिस तरह जवेद भाई अपनी कलीसिया के लिए अपने यूहन्नाबाद के मकामी लोगों के लिए खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, खुदा ने अगर आप लोगों को बरकत दी है तो आप ज़रूर ख़ुद भी कलीसिया के लिए कुछ कर सकते हैं, या आप भाई तारिक जवेद उनके भाई इश्तियाक गिल के साथ रब्ता करें ताकि आप भी इनके साथ मिलकर अपने बहन भाइयों की खिदमत कर सकें। तो इसी तरह हमारे साथ भाई इश्तियाक गिल, हम उनसे भी पूछेंगे। जी भाई, आपने कलीसिया के लिए ये जो दस्तरखान लगवाया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, तो बहन भाई आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, खुदावंद के नाम को जलाल पहुँचे। ये जो दस्तरखान है, मैं समझता हूँ कि जो हमारी यहाँ पूरी दुनिया में एक आफत ज़रा जो आन पड़ी है, क्योंकि इसका पूरी दुनिया मुकाबला कर रही है, और हमने भी छोटी सी कोशिश की है कि हम अपने भाइयों के साथ मिलकर बैठ कर खाना खाएं, हम एक दूसरे के भाइयों के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, इसमें आज तक हमने किसी इमीडिएट टॉक पे कोई आज तक कोई अल्फाज नहीं बोला, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आप आएँ, आप एज ए पास्टर हैं, तो हम इसलिए आपके टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं क्योंकि इस तरह और लोगों को भी ये तरकीब मिलेगी कि और लोग अपने इलाके में ऐसे काम करें, क्योंकि हमें पता है कि तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं इस हुकूमत ने पहले ही इस एरिया के लिए जो हमारी कच्ची आबादियाँ हैं उनके लिए कुछ भी नहीं किया, लोग पहले ही रोज़गार बेरोज़गार थे, और इस कोरोना की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई हैं, और हम समझते हैं कि हम जितने भी लोग हैं जो सियासी कारकुन हैं जो समझ बूझ रखते हैं, जैसे हमारे पास्टर साहबान, जैसे हमारे मसाजिद के लोग और जो मुखियर हज़रात इस अपनी आबादी के लिए अपने गरीब लोगों के लिए साथ ये शेयरिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और हमें चाहिए कि हम ऐसे ही इस काम को बढ़ाते रहें, क्योंकि अभी इस वबा का पता नहीं है कब तक चले, और हमें चाहिए कि हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस काम को आगे बढ़ाएं। मुझे यहाँ इंतहाई खुशी है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, हमारी पूरी टीम है हमारे साथ काम कर रही है, दिन रात हमारे साथ है, जैसे हमारे सदर साहब हैं, हमारे काउंसलर साहब हैं, जितने भी हमारे जो कारकुन मेन है नून लीग के कारकुन, वो हमारे साथ हैं, और यहाँ हमारे MNA साहब भी आए थे, यहाँ हमारे MP साहब के बेटा भी आए थे, इसी तरह हमारे जो CM साहब हमारे साहब का, उनके भी वो कोऑर्डिनेटर आए थे, तो ये काम ऐसे ही बढ़ेगा, क्योंकि जब हम मिलजुल कर अपने लोगों का ख्याल करेंगे तो ये हमारी जो ये एक आफत आई है, ये एक मुसीबत है, हम मिलजुल कर इसको ख़त्म कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप PPC TV का कि आपने हमारा ये जो छोटी सी एक काविश है इसको आपने कवरेज दी।
करने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। खुदावंद आपको भाई बड़ी बरकत दे, आपको, आपकी सारी टीम को, और आप इसी तरह खुदा के कामों में आगे बढ़ते रहें और अपने बहन भाइयों की मदद करते रहें। ये एक बड़ा अच्छा नज़रिया है कि आप लोगों ने यूहन्नाबाद में अपने कलीसिया के लिए, जो किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, लेकिन आपने उनके लिए दस्तरखवान लगाया है। तो इसी तरह जो बहन भाई मुझे टी वी पर देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि खुदावंद ने अगर आप लोगों को भी बरकत दी हुई है, खुदावंद का दिया आपके पास भी है, तो ज़रूर इन हालात में अपने बहन भाइयों की मदद करें ताकि आप खुदावंद से बरकत हासिल कर सकें। सो खुदावंद आप लोगों को बहुत सारी बरकत दे, और आप देखते रहें पीपीसी चैनल, पीपीसी चैनल आपका अपना चैनल। चैनल आपका अपना चैनल।